क्या आप जानते हैं वेजिटेरियन डाइट में केवल दूध में विटामिन B12 होता है, लेकिन यदि पाश्चुरीकृत दूध को हम उबाल कर पीते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि समय से पूर्व अथवा कम वजन के साथ जन्मे बच्चों में आगे चलकर किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। ऐसी ही अनेक महत्वपूर्ण बातें ICMR के पूर्व महानिदेशक और पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल कुमार गांगुली ने हमसे साझा की। वे एम्स भोपाल में 4 दिवसीय ट्रांसलेशनल रिसर्च अप्रोचेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रसिशन इन थेरेपी इन क्लिनिक विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल होने आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। इंडियंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने आप लोग पर जानते हो कि नहीं पता नहीं, हम लोग मदर के उम में हम लोग प्रोग्राम्ड होते हैं। ये देखा गया था कछुए में, दूसरों में जो रिप्टाइल्स है, आप उनके अंडे को अगर डिफरेंट टेम्परेचर में करो तो या तो लड़का टर्टल होगा या लड़की टर्टल होगी, ये आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो उसी तरह हमारे यहाँ पर कुपोषण है बहुत इंडिया में, तो कुपोषण के लिए हमारे यहाँ लो बर्थ वेट बेबीज या एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबीज या प्रीटर्म बेबीज होते हैं, उनमें जब वो ग्रो करते हैं तो उनमें थोड़ा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, तो उनके जो वो प्री डायबिटिक हो जाते हैं, और उनके ब्रेन को बचाने के लिए पहली कोशिश होती है बॉडी की, तो जो दूसरे अंग हैं वो उनमें अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं इनमें एक मिडिल ओबेसिटी होती है, जैसे आप कॉकेशन को देखो, हिस्पैनिक को देखो, फैट होता है सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंडियंस में इसको मिडिल ओबेसिटी बोलते हैं। तो और इंडियंस में जो विटामिन B12 फोलिक एसिड का भी एक असामंजस्य होता है, क्योंकि कोई भी वेजिटेरियन में विटामिन B12 नहीं होता, कोई वेजिटेबल में, दूध में होता है, तो दूध इंडिया में दुनिया में कहीं भी पैस्चराइज मिल्क को उबाल के नहीं पिया जाता। इंडिया सिर्फ कंट्री है जहाँ पर कि पैस्चराइज मिल्क, जहाँ पर कि कोई बैक्टीरिया नहीं होता, उसको उबाल के पीते तो उसके सारे गुण चले जाते हैं। तो इसलिए इंडिया में जो शोध करके पाया गया है कि अगर हम इसको सामंजस्य में ले आए, और एक और चीज़ है, हमारे वेजिटेरियन के काफ़ी अच्छे परिणाम भी है बट दुष्परिणाम भी हैं, जैसे ओमेगा 3 नाम की एक चीज़ होती है जो लोग जो कि कोल्ड वाटर फिशेज में मिलती है, जिसको कॉड लीवर ऑयल वगैरह होते हैं उससे देते हैं, वेजिटेबल्स में नहीं होता, सिर्फ एक वेजिटेबल में होता है जिसको अलसी बोलते हैं, फ्लेक्सीड। तो इस तरह से लोगों को अगर प्रॉपरली पोषण हम शुरू से हैंडल करें तो बच जाते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा 10 साल पहले हमारे यहाँ पर हार्ट अटैक होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड से, हमारे यहाँ डायबिटीज़ का कैपिटल है वर्ल्ड में, हम लोगों के स्ट्रोक होते हैं अर्ली स्ट्रोक जिसमें पैरालिसिस होता है। तो हम इस तरह से, और हमारे जैसे आप इतने पतले हैं बट आप ही के तरह एक कॉकेशन लिया जाए तो एक फैट मेजर करने की मशीन होती है जिसको डेक्सा बोलते हैं, तो उसमें आपका 30% फैट सेल ज़्यादा होगा, और दो तरह के फैट सेल होते हैं, ब्राउन फैट सेल, वाइट फैट सेल। हमारे यहाँ जो बुरा फैट सेल होता है जो कि एक्सरसाइज से भी बहुत मुश्किल से घटता है, तो इसलिए साउथ ईस्ट एशियंस एंड इंडियंस में एक प्रॉब्लम है, इशू है। कुछ लोग सोचते हैं अगर पुअर है तो उसको नहीं होगा, बट पुअर को ज़्यादा होता है क्योंकि उसको बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, और जो लो बर्थ वेट बेबीज होके मदर्स होती है वो 4 जनरेशन तक, डॉक्टर याग्निक नाम के वो है पुणे में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि वो 4 जनरेशन तक वो इम्प्रिंट को कैरी करती है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबीज हो तो एक तो इसका रोकथाम करना चाहिए कि ऐसा ना हो, बेबीज का लीनियर ग्रोथ हो, बेबीज आर बॉर्न विद ए नॉर्मल वेट,
और जागर जब वो हो जाते हैं तो उनका पोषण ठीक से हैंडल किया जाए, जिससे कि ये डिजीज प्रोन ना हो, इनके डिजीज कम हो।